हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी बनावट में नज़र आ रही हैं, और जो फिंगर्स की लेंथ है यह भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ जो है फिंगर्स का, उसमें अपोलो का साइज़ ज़्यादा लंबा है इनकी तर्जनी फिंगर से। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर अपोलियन रह सकती हैं, और थोड़ी सी क्वालिटीज़ में कमी हो सकती है बृहस्पति की, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। और अगर बात की जाए मर्करी फिंगर की, तो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी सी टिल्टेशन है यहाँ पर, इस तरफ को झुकाव दिखाई दे रहा है फिंगर का, तो थोड़ी सी कमी रह सकती है इस झुकाव की वजह से। सैटर्न की तरफ झुकाव होने से थोड़ी सी लाइफ में वैराग्य जैसी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। और थिकनेस की बात की जाए तो काफ़ी थिक हैं फिंगर्स, सारी की सारी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी रहेगी इनके अंदर, इनका स्टैमिना भी काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई भी मेजर हेल्थ इशू यहाँ पर फिंगर्स के ज़रिए नज़र नहीं आ रहा। फिंगर्स काफ़ी सटी हुई हैं आपस में, ज़्यादा गैप नहीं है, तो बहुत ही शांत स्वभाव रहेगा इनका फिंगर्स के नज़रिए से अगर देखा जाए। बाकी लाइंस से चेक करते हैं और क्या क्या हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक लाइन ड्रॉ कर फिंगर्स की सेटिंग को, थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा इसके लिए। तो यहाँ पर अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की सेटिंग जो है सामने आ रही है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, जिसमें मुझे कोई भी फिंगर ज़्यादा लो सेट होती दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी अच्छा साइज मिल रहा है माउंट्स को। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि थोड़ी सी शाइनेस रहेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमने लेंथ चेक की थी मर्करी फिंगर की वह भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फिंगर नहीं है, और हल्का सा ही झुकाव है जो नॉर्मल जिसको माना जा सकता है, तो हल्की सी शाइनेस रह सकती है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं फिंगर की। तो देखते हैं आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके माउंट्स को वन बाय वन, माउंट्स से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले शुरू करूँगा यहाँ पर मर्करी माउंट से ही, क्योंकि मर्करी सबसे फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मर्करी का साइज़ जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक खड़ी लाइन मर्करी की, और यहाँ पर इस लाइन को कंटिन्यू होते हुए देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे बिजनेस स्किल्स इनके अंदर रह सकते हैं। दूसरा, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से, और यहाँ से थोड़ी सी लाइन कम हो रही है, लेकिन इसका जो रुख है कुछ हार्ट लाइन की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा, यहाँ से नीचे की तरफ झुकाव जो एक तरह से किसी रिलेशनशिप के टूटने का संकेत है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो मैरिज के लाइन बन रही है, तो लगभग 27 के आसपास, यहाँ पर 27 और 28 के आसपास मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने का यहाँ पर एक कुछ संकेत मिल रहा है, क्योंकि एक लाइन जो है नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद जो मैरिज की लाइन है काफ़ी स्ट्रांग है, तो बहुत ही अच्छी मैरिज इनकी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर लाइन है मैरिज की, बहुत बढ़िया मैरिज रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो और जो इनका माउंट है मर्करी का, यह भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके माउंट ऑफ अपोलो को, यानी कि सूर्य का माउंट, तो सूर्य का माउंट एवरेज है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, और सूर्य की रेखा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य की रेखा की लंबाई होना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी रेखा नहीं है सूर्य की, लेकिन फिर भी यह काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी ओल्ड एज में चलकर, इनको इस रेखा की वजह से फेम भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्डल ऑफ वीनस, काफ़ी हद तक कुछ ऐसा गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस है, जो इनको थोड़ी सी इमोशंस की प्रॉब्लम दे सकता है, मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम दे सकता है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अगर इस तरह से गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो, या तो गर्डल ऑफ वीनस कंप्लीट बने, पूरा गर्डल ऑफ वीनस जो होता है वह एक तरह से बहुत अच्छा योग बनाता है, जिसको हम विपरीत राजयोग भी कहते हैं, तो लेकिन कंप्लीट होना उसका ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर अनकम्प्लीट गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को
मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम देता है, और जब भी कभी कोई ऐसी दिल टूटने वाली बात होती है तो उसको रिकवर करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है व्यक्ति को, तो इस तरह का स्वभाव रहने के चांसेस हैं यहाँ। उसके बाद चेक कर रहे हैं सैटर्न माउंट को, तो सैटर्न माउंट मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप जैसे देख सकते हैं सैटर्न माउंट को काफ़ी अच्छा एरिया सैटर्न माउंट का नज़र आ रहा है यहाँ पर। सैटर्न की जो लाइन है यहाँ पर, यह भी मुझे काफ़ी अच्छी आती दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से दो सैटर्न की लाइन्स इनके हाथ में बनती हुई नज़र आ रही हैं, और एक लगभग यहाँ पर मर्ज होकर कुछ मुड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर साथ में सूर्य रेखा भी काफ़ी लंबी हो तो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पर इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के, क्योंकि सैटर्न की जो लाइन है काफ़ी थिक है और लगभग बृहस्पति की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है, तो यह एक अच्छा साइन है इनके लिए। बृहस्पति माउंट को चेक करते हैं यहाँ पर। बृहस्पति माउंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बृहस्पति माउंट के ऊपर कुछ लाइंस हैं जो लगभग आड़ी चल रही हैं, तो जो इनके रिलीजियस होने के बारे में यहाँ पर इंडिकेशन दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 सिंपथी की लाइंस हैं यहाँ पर। ये सिंपथी सिंपथेटिक पर्सनैलिटी व्यक्ति को बनाती है, तो लेकिन यहाँ पर जो एक लाइन हृदय रेखा से निकल कर नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यह थोड़ी सी नेगेटिव एक तरह से यह ब्रोकन लाइन है, लेकिन फिर भी इसका संबंध जो है वो मंगल के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव चिन्ह है जिसकी वजह से अग्रेशन व्यक्ति के अंदर काफ़ी रहता है, गुस्सा काफ़ी रहता है। और उसके अलावा यह जो ऊपर की दो लाइंस हैं यह काफ़ी तक पॉजिटिव हैं। यह जो लाइन जिनको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, यह दोनों लाइंस काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनकी वजह से व्यक्ति धार्मिक रहता है, सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहती है, तो ये काफ़ी अच्छा चिन्ह है। ओवरऑल जो बृहस्पति का माउंटेन का काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइंस, इनके बारे में क्या क्या इंडिकेशंस दे रही हैं। तो हृदय रेखा को यहाँ पर देखना चाहेंगे तो जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है, लेकिन बीच में लगभग 45 की एज के बाद यहाँ से कुछ वीकनेस भी लाइन में आती नज़र आ रही है, तो यहाँ से थोड़ी सी वीक हो रही है लाइन। अप्रॉक्सीमेटली 45 की एज के बाद थोड़ा सा इनको अपनी हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाइन की जो फोकस है उसमें कमी आ रही है, वीकनेस आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी लाइन से नीचे की तरफ चलने वाली जो लाइंस हैं कुछ यह सेटबैक्स को शो करती हैं, तो यह इमोशनल सेटबैक्स जो व्यक्ति को लाइफ में मिलते हैं, तो कुछ इस तरह की यहाँ से 4 से 5 लाइनें जो हैं इनको एक तरह से इमोशनल सेटबैक मिलने, अपने नियर एंड डियर वंस की तरफ से ही कुछ ना कुछ इस तरह के सेटबैक्स मिलते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का दिल टूटता, तो कुछ ऐसी यहाँ पर स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ हार्ट की जो हेल्थ है अच्छी रहेगी। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह इनको ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 45 के बाद थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन आगे चलकर फिर हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और हार्ट की जो लाइन है इसकी एक ब्रांच लगभग मुड़कर मंगल की तरफ चलती नज़र आ रही है, तो थोड़ा गुस्सा इनके अंदर रहेगा। और यहाँ पर विष्णु सिंबल जैसी फॉर्मेशन का होना कुछ हद तक अच्छा भी माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति के जो काम होते हैं सारे बनते हैं, लेकिन थोड़े डिले से। काफ़ी ऑस्पिशियस चिन्ह माना जाता है, काफ़ी लकी होते हैं ऐसे लोग जिनके हार्ट की लाइन बाई फोर्क होती है, ऐसा विष्णु सिंबल बनाती है, इसको वी सिंबल भी कहा जाता है। तो यह एक अच्छा चिन्ह है जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेस करता है लाइफ में। तो चलिए इसके बाद हार्ट की लाइन के बाद चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को। माइंड की लाइन देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं माइंड की लाइन लगभग कुछ इस तरह के उसमें चल रही है, जो एक गैप शो कर रही है लगभग जो फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर एक गैप मेंटेन हो रहा है इनकी माइंड की लाइन के बीच में और यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन के बीच में। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच रही होगी इनकी लाइफ में, बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के इंसान होंगे ये। और यहाँ पर यह भी शो हो रहा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने खुद ही अपने आप उठा ली होगी, किसी ना किसी तरह की अपनी फैमिली की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ये खुद उठाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति जिनकी लाइंस दोनों अलग अलग होती हैं, माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो थोड़ा सा
अग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, तो यहाँ पर यह भी रहा हो सकता है इनके साथ। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी क्लियर इनके मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, इनकी फेट लाइन से। यहाँ पर मनी ट्रायंगल अच्छा बनना एक बहुत ही अच्छा और शुभ चिन्ह है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी तरक्की करता है। मनी ट्रायंगल जिनके हाथ में ऐसा बने हुए हैं, ऐसे लोग काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में और पैसा भी खूब इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही अच्छा और शुभ चिन्ह इसको मैं मानूंगा। माइंड की लाइन की अगर बात की जाए तो बहुत ही सीधी और स्पष्ट लाइन है, तो काफ़ी शार्प माइंड है इनका और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में। और अगर यह साथ साथ भी बिजनेस करना भी चाहें तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस की लाइन भी बनती हुई नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइंड की लाइन के बाद चेक करते हैं लाइफ लाइन को, लाइफ के बारे में चेक करते हैं कि लाइफ किस तरह से रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो लाइन है लंबी है लाइफ की, लगभग 90 के आसपास, 90 वर्ष की यहाँ पर जो उम्र है यहाँ पर लगभग सामने आ रही है, और काफ़ी क्लियर लाइन है। शुरुआती लाइन थोड़ी सी वीक थी, लेकिन आगे चलकर और भी क्लियर होती नज़र आ रही है, और काफ़ी लंबाई में है लाइन। और वीनस का माउंट यहाँ पर बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, सुख सुविधाएँ रहेंगी लाइफ में, धन दौलत की कोई कमी नहीं होने वाली, लग्जरियस लाइफ जिसको हम कह सकते हैं, वीनस की तरफ से ही हमें लग्जरियस मिलती है, वीनस की तरफ से ही हमें अच्छी गाड़ी और धन संपत्ति मिलती है। तो वीनस का माउंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पर वीनस के, तो काफ़ी अच्छा कह सकता हूँ। और लगभग एक लाइन बाहर की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है लाइफ लाइन से, तो फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। कुछ देर के लिए रुक सकते हैं फॉरेन में, लेकिन परमानेंट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि लाइन जो है लाइफ की बहुत ही अच्छे से वीनस की तरफ मुड़ती नज़र आ रही है। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो तो खुद के कंट्री में ही दिखाई दे रही है मुझे। और यहाँ से आप देख सकते हैं दो फेट की लाइन्स हैं इनके हाथ में, और एक लाइन तो प्रॉपरली चंद्रमा से ही आ रही है, दूसरी कुछ साथ से सपोर्ट करती हुई। और साथ ही साथ यहाँ पर हल्की लाइंस जो ट्रैवल की लाइंस हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, तो ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में काफ़ी रहेगी, काफ़ी घूमना फिरना इनको पड़ेगा लाइफ में, और काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन भी ये रहेंगे। ट्रैवलिंग काफ़ी होगी, प्रोग्रेस लाइफ में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, लाइफ काफ़ी अच्छी इनकी रहने वाली है। तो मुझे यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही जिसके बारे में यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। तो वीनस अच्छा होने की वजह से फैमिली के साथ भी अच्छी लाइफ रहती है, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा एक तरह से जो इनकी अटैचमेंट रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ आफ्टर मैरिज जो लाइफ वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली। तो कोई भी मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है जिसके बारे में यहाँ पर एक तरह से हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो गडल ऑफ वीनस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में रह सकती हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा सा जो चंद्रमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइंस है क्रॉस बन रहा है, तो चंद्रमा के उपाय इनको मैं सजेस्ट करूँगा, जिसकी वजह से अगर इनका मूड काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहा है तो उसको स्टेबिलिटी मिले, तो मून के ये उपाय ज़रूर करें जो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा और सब कुछ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी लाइफ है। कुछ हल्की स्ट्रेस की लाइंस यहाँ पर हैं जो लगभग 35 की एज के बाद नहीं दिखाई दे रही, 35 के बाद काफ़ी अच्छी इनकी एज हो लाइफ हो जाएगी। तो 35 तक थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ में यहाँ पर रहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लाइफ लाइन को एनालाइज करें तो लाइफ लाइन थोड़ी सी वीक है 35 के आसपास की एज तक, और आगे की लाइफ काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो लगभग यह सारे चिन्ह जो मुझे दिखाई दे रहे थे इनके हाथ में उनको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया और कोशिश की कि सारे के सारे चिन्हों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें, और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता है तो मुझे इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक करके इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई टाइमली मैनर पर कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा यह चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।